नमस्कार, लक्षांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी रायपुर में परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो है वो बढ़ गई है। कारण है कि कुछ सब्जेक्ट के कुछ कोर्सेस के रिजल्ट अभी तक नहीं आए हुए हैं और उसके कारण जो है वो फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। तो दोस्तों, अब परीक्षा फॉर्म की तिथि को बढ़ा दी गई है, डेट एक्सटेंड ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। तो दोस्तों, ऐसे लगातार अपडेट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए, हमारा ग्रुप बना हुआ है, उसमें आपको डायरेक्टली वहां पर से आपको नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन की हम आगे बात करें और लगातार अपडेट आप सभी को देते रहेंगे। तो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास दो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आती है। रविशंकर विश्वविद्यालय ने बढ़ाई आवेदन तिथि, नतीजों में देर के कारण फैसला हो रहा है। देखिए बात करें यहाँ पर क्या बताता है, बताते हैं यहाँ पर कि रविशंकर विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षा के आवेदन कर तिथि बढ़ा दी गई है और 12 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। पहले था 5 तारीख तक, अब 7 दिन और बढ़ाकर कर दिया गया है इसको 12 तारीख तक। 16 अगस्त तक का समय आपको परीक्षा फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा और गुरुवार को आवेदन की अंतिम तिथि अर्थात कल, जो बीता हुआ कल था उसके लिए, तो 16 अगस्त के बाद 100 रुपये विलम्ब शुल्क देना पड़ता आपको, अब देना पड़ेगा 16 अगस्त के बाद, क्योंकि नहीं तो आज से विलम्ब देना पड़ता। परीक्षा परिणामों में हो रहे विलम्ब को देखते हुए रविशंकर विश्वविद्यालय ने यह तारीख बढ़ाई है। परिणाम जारी नहीं होने के कारण छात्र आवेदन पत्र ही नहीं भर पा रहे थे, जिसका परिणाम अभी तक जारी नहीं हुआ है। उन्होंने आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए अर्जी लगाई थी, हालांकि रविशंकर विश्वविद्यालय ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि छात्रों के नतीजों में देर होती है उन्हें अतिरिक्त वक्त दिया जाएगा। रविशंकर विश्वविद्यालय के आदेशानुसार सभी क्षेत्रों के लिए परीक्षा तिथि में वृद्धि की गई है। दोस्तों, यहाँ पर MSc गणित के परिणाम 95% आए हुए हैं और हमारे पास कुछ रिजल्ट आया हुआ है MSc का, MA का कुछ रिजल्ट आया है जिसको मैं अभी इसी में बता देना चाहूँगा। तो ये था आपका इन्फॉर्मेशन। वैसे तो नोटिफिकेशन अलग से डाउनलोड नहीं हुआ है, फिर भी आपको यहाँ के माध्यम से पता चल जाना चाहिए। 12 अगस्त तक आप अब आवेदन कर सकते हैं और 16 अगस्त तक आप कर सकते हैं विथ लेट फीस। ओके, क्लियर हो गया। इसके बाद एक और इन्फॉर्मेशन इसी के साथ यहाँ पर ये देखिए ये लिखा हुआ है, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर परीक्षाओं के ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि बढ़ा दी है। अब स्टूडेंट 6 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक बिना विलंब शुल्क के परीक्षा आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल नहीं घबराइए, आप सभी का अगर परीक्षा परिणाम नहीं आया हुआ है, रुका हुआ है, तो बिल्कुल आपको अतिरिक्त समय रविशंकर विश्वविद्यालय देगा। तो निश्चिंत रहें, आपको जब ऑनलाइन फॉर्म भरने की बारी आएगी तो आप जरूर भर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का कल 4 तारीख को जो है यहाँ पर 13 कोर्स का रिजल्ट आया हुआ है, MA साइकोलॉजी वालों का, MSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc स्टैटिस्टिक्स, MSc मैथमेटिक्स वालों का रिजल्ट, जो कि यहाँ पर 95% रहा है, और MSc केमिस्ट्री और MA फिलॉसफी एंड योगा, MSc बॉटनी, MA सोशियोलॉजी का रिजल्ट आ गया है, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे, और LLM का Part 1 का रिजल्ट भी आ गया है। तो दोस्तों, जिनका रिजल्ट आ गया है वो कंटिन्यू फॉर्म को भरते चलिए, क्योंकि अभी कुछ लोगों का नहीं आया है तो वो एक साथ भरने से फिर वेबसाइट जो होगा वो क्रैश हो जाएगा, तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, क्रैश हो जाएगा, तो ये सब दिक्कतें होगी। इसीलिए आपको जैसे जैसे रिजल्ट आपका आते जा रहा है वैसे वैसे फॉर्म को भरते चले जाइए, ठीक है। हार्ड कॉपी जमा करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही बता दिया है, लेकिन आप अपने कॉलेज के हिसाब से कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इन्फॉर्मेशन में यही शेयरिंग था, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दूसरों तक शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुँच सके और वो निर्भय होकर काम कर सके। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।